कालापीपल विधानसभा के खोकरा कला में आज बैलगाड़ी की रेस आयोजित की गई। रेस आगखेड़ी से आरंभ हुई जो खोकरा कला तक रखी गई। आज की रेस में 4 बैलगाड़ी आई। दौड़ में प्रथम स्थान पर दोराहा के नासिर खां रहे, जिन्हें समिति की ओर से 5,000 रुपए पुरस्कार। दूसरे स्थान पर दोराहा से जमीलुद्दीन रहे, जिन्हें 3,000 रुपए पुरस्कार। तीसरे स्थान पर नसीब खां रहे, जिन्हें 2,000 रुपए पुरस्कार राशि भेंट की गई। इस अवसर पर कालापीपल विधायक कुणाल चौधरी ने विजेता उपविजेता को साफा माला पहनाकर इनाम की राशि भेंट की। विधायक चौधरी ने बताया कि आज खोकरा कला में बैलगाड़ी की दौड़ आयोजित की गई। बैलगाड़ी इस देश में खेती किसानी करने का मूल साधन हुआ करता था। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक कुणाल चौधरी, कालापीपल जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि भोजराज पवार, जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि अल्केश पाटीदार, सरपंच प्रतिनिधि इसरार खान, रीछड़ी सरपंच नसरू खान सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। प्रतियोगिता थी आज खोकरा, कहां से कहां तक? आगखेड़ी से खोकरा तक। तो इसमें किसकी गाड़ी जीती है? ये जीती जागीर खान दोराहा वालों की। अच्छा, इसमें इनाम क्या रखा हुआ है? फर्स्ट 5,000, सेकंड 3,000, थर्ड 2,000। यहाँ पे बैलगाड़ी दौड़ का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम करा गया, जो इस देश के मूल भाव की बैलगाड़ी है, जिसने इस देश में खेती किसानी हरित क्रांति से लेके एक नए आयाम को छूने का काम किया। तो जो उत्साह और ऊर्जा नौजवानों में, बुजुर्गों में, सब में देखने को मिला, एक बेहतर रूप से कैसे इस यहाँ पे कार्यक्रम किया जाए, एक छकड़ी दौड़ के रूप में इसे आयोजन करा गया और बेहतर रूप से यहाँ पे दौड़ आयोजित हो उसका समापन। कालापीपल से दिलीप माहेश्वरी की रिपोर्ट।